अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। नई अनबॉक्सिंग के साथ हाजिर हैं, बेहतरीन किस्म के एयरबड्स लेके फिर आए हैं। आज दो एयरबड्स हैं, एक की अनबॉक्सिंग यहाँ करेंगे और एक की अनबॉक्सिंग दूसरी वीडियो में करेंगे ताकि वीडियो लंबी ना हो। पार्सल मैं आपको दिखा देता हूँ जनाब, शेंजन चाइना का सेलर है जिसे मंगाया, कैश ऑन डिलीवरी कोई नहीं है, प्राइस मैं आपको बता दूंगा ड्यूरिंग वीडियो। तो चलिए जल्दी से इसको ओपन करते हैं और देखते हैं कि हमें क्या मिला है पार्सल में। नहीं जी, ये एक प्रोडक्ट हमारे सामने आ गया है X15, और दूसरा प्रोडक्ट जो है वो भी हमारे पास आ गया है, वो है जनाब S500। ये दो प्रोडक्ट हैं, ठीक है, तो इसमें से S500 की अभी करते हैं और X15 की नेक्स्ट वीडियो में। इसकी वीडियो में मैं आपको इसका लिंक दे दूंगा और इसकी वीडियो में मैं आपको इसका लिंक दे दूँगा। तो चलिए पहला अनबॉक्स जो है वो हम करते हैं। ले जी, इस अनबॉक्सिंग के अंदर जो हमारे पास एयरबड है वो जनाब है X15 TWS 5.15 वर्जन है इसका ब्लूटूथ का। नीचे अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको 18 आवर्स इसकी बैटरी नज़र है, 3 आवर्स इसका जो है वो टोटल टॉक टाइम है, प्लस 15 आवर्स जो कि इसके बॉक्स की लाइट अपना चार्जिंग के मुतालिक बयान किया गया है। राइट साइड पर अगर मैं देखूँ तो कुछ नहीं है, लेफ़्ट साइड पर कुछ नहीं है, बैक साइड पर देखें तो डिस्क्रिप्शन हैं इसकी, आप देख लें जी। X15 मॉडल है, वर्जन 5.1 है, कॉल टाइम 3 आवर्स है, 2.5 प्ले टाइम है, म्यूज़िक के मुताबिक ट्रांसमिशन डिस्टेंस 10 मीटर है, यानी कनेक्टिविटी ब्लूटूथ की। जो हेडफोन स्टैंड बाई टाइम है वो 1 घंटा है, तकरीबन 1 आवर है। चार्जिंग बॉक्स है वो 2 आवर्स, अगर पूरा आप चार्ज करना है 2 घंटे में ये चार्ज करेगा। वॉच नंबर के मुताबिक बताएगा मेड इन चाइना है, और इसके अलावा यहाँ पर कुछ मैंशन नहीं है। जो पिक्चर थी वो सारी छुप गई है, पता नहीं लग रहा है क्या, तो इसको यार ओपन कर लेते हैं और फिर देखते हैं कि इसमें मिलता क्या है हमें। बॉक्स हो गया जनाब एम्प्टी, केबल हमें कौन सी मिली है तो वो देख लेते हैं। केबल यूएसबी है और साथ ही सी टाइप है, ठीक है। चार्जिंग जो बुकलेट हमें वो इंग्लिश में मिली है, ये देखें आपके सामने कुछ मेंशन हुआ हुआ नज़र भी आ रहा है। वॉल्यूम अप डाउन कैसे होगा सारा बताया गया 3 टाइम करने से, और यहाँ पर पूरी डिस्क्रिप्शन है इसकी, ठीक है, ये सारा कुछ बता दिया गया है। इसकी जो स्पेसिफिकेशन है उसके मुताबिक भी यहाँ पर यह बयान किया गया है, थोड़ा सा देख लें आप तो आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। दूसरी साइड देखूँ तो चाइनीज़ है, इसको हम करते हैं साइड पे। अब आ जाते हैं हम अपने मेन प्रोडक्ट की तरफ, ये हमारे एयरबड्स हैं यार, बड़े ही शाइनी किस्म के एयरबड हैं, यकीन करें ब्यूटीफुल, बड़े खूबसूरत से बने हुए ये, और ये इसकी शेप भी देख लें बड़ी ज़बरदस्त है, ठीक है जी। मैग्नेटिक इसके ये पॉइंट्स हैं जो चार्जिंग के लिए काम आएंगे, माइक भी इसी में बिल्ट इन है, ठीक हो गया जी। और इसके ऊपर जो है मेंशन नहीं है राइट लेफ़्ट, लेकिन चूँकि शेप ही है ये राइट होगा और वो लेफ़्ट होगा, ठीक है। तो मैं इसको करता हूँ साइड पे और मैं आ जाता हूँ बॉक्स की तरफ। कोबरा स्टाइल बॉक्स जैसे पहले आया था बिल्कुल उसी की तरह ही है, थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा है। अगर मैं इसके बॉक्स को खोलूँ तो ये देखें जी, डिस्प्ले हमारे सामने आ रहा है राइट लेफ़्ट का और अपना चार्जिंग का। इस वक्त 99% जो वो बॉक्स जो है वो चार्ज है, वैसा खूबसूरत बॉक्स बना हुआ है। तो मैं इसको जो है इसमें लगा के देखता हूँ, ये देखें जी, और दूसरा वाला जो है उसको भी लगा के देखते हैं। वो देखें जी, चार्जिंग इसकी होना शुरू हो गई है, तो ये जो है इसको भी मैं लगाता हूँ, ये देखें जी, ये दोनों जो है वो चार्ज हो रहे हैं। मैं बॉक्स को करता हूँ बंद, ये देखें इसकी चार्जिंग लाइट जो है वो ऑन हो गई है। इसको ज़रा मैं उतार देता हूँ ताकि आपको इसकी शेप के मुताबिक पता चल जाए कि भाई इसकी शेप है क्या। कोबरा स्टाइल बना हुआ बड़ा ही खूबसूरत है, ज़रा मैं इसकी फिनिशिंग आपको दिखा दूँ। ये देखें जी, आइस इसकी देख लें, कोबरा आइस है। ये पहले भी मैंने किया था K55 और K30, उसकी भी ऐसी ही शेप थी, लेकिन इसे थोड़ा सा डिफरेंट है। सी टाइप चार्जिंग है, जो बॉक्स है 400 mAh का है और जो एयरबड है वो 40 mAh का है। 4 दफ़ा आप बॉक्स को चार्ज करके इस्तेमाल कर सकते हैं फुल टाइम। और अगर मैं इसकी बात करूं तो यहाँ पर सेंसर कहीं नहीं है, लेकिन फिर भी ये काम कर रहा है, तो ये बॉक्स है, ठीक है। तो मैं आपको अब इसको कनेक्ट करके दिखाता हूँ अपने मोबाइल के साथ। तो बॉक्स को इसको करते हैं साइड पर और लाते हैं मोबाइल ज़रा अपना जल्दी से, बस मेरे साथ रहें। ले जी, मैं ले आया हूँ मोबाइल, और मोबाइल लाने के बाद मैं करता हूँ ब्लूटूथ इसकी ऑन है, मैं चला जाता हूँ इसमें, और इसमें जाने के बाद ये जो ब्लूटूथ है
इसको पहले हम कर देते हैं डिस्कनेक्ट। ये जी हमने कर दिया इसको डिस्कनेक्ट। ये पहले हमने एक जो कनेक्ट किया था वो था, अब हम निकालते हैं जनाब इसको बाहर। और इसको निकालने के बाद हम इसको पेयर करने की कोशिश करते हैं। हम आते हैं पेयर डिवाइस में, ये देखें जी X15 को ये सर्च किया है इसने, हम इस पर करते हैं क्लिक। क्लिक करने के बाद ये करता है पेयर, हम इसको यहाँ से कर देते हैं पेयर और सिंपली ये इसके साथ पेयर हो जाएगा। ये देखें जी पेयर हो गया और ये हमारे मोबाइल में इसने शो भी जो है वो कर दिया है। तो ज़बरदस्त सा है शाम, सिंपल सा है, जिस तरीके से पेयर करने का तरीका मैंने आपको बता दिया। और अब मुझे दें थोड़ा सा टाइम, स्क्रीन जो है वो शो करती है चार्जिंग कैसे कैसे हो रही है। देखें इस वक्त चूँकि ये चार्ज हो रहा है इसलिए वो 80% इसको शो कर रहा है। अगर मैं इसको बॉक्स में लगा देता हूँ तो मोबाइल से ये डिस्कनेक्ट हो जाएगा और चार्जिंग जो इसकी शुरू हो जाएगी। जैसे मैं बॉक्स बंद करता हूँ तो इसकी लाइट्स ओपन हो जाती हैं, ये देखें। तो मैं अब आपको इसके फ़ीचर्स के मुतालिक बता देता हूँ और साथ इस साउंड के मुतालिक भी आपको बताता हूँ कि इसका साउंड कैसा था। 2 मिनट दे दें। लीजिए मैं वापस आ गया, मैंने इसे चेक कर लिया है, साउंड बेहतरीन है, नॉइस कैंसिलेशन इसमें मौजूद है, डुअल मोड वर्क कर रहे हैं इस वक्त इसके, और राइट साइड है लेफ्ट साइड है दोनों जो है वो एट अ टाइम सेपरेटली जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। एक चीज़ जो मुझे बड़ी हैरान कौन थी, इसका ना जो बैटरी का टाइम है ना बॉक्स का वो बड़ा कम है, यानी बड़ी जल्दी से ना बैटरी जो है वो चार्ज जो है वो रिलीज़ हो रहा था और आपके एयरबड्स वो इस्तेमाल जो है वो चार्जिंग कर रहे थे। एयरबड्स जो है वो पूरा टाइम दे रहे हैं, 3 से 4 घंटे इजीली यूज़ हो रहे हैं, लेकिन जो आपका बॉक्स है ना उसकी चार्जिंग बड़ी जो है वो तेज़ी से जो है वो ड्रेन होती है, तो आप ड्रॉबैक कह सकते हैं। प्राइस इसकी जो है वो 2600 है, 3000 तक भी मार्केट में अवेलेबल है, ये आपको मार्केट से मिल जाएगा, ईजिली नहीं है, तो कोशिश करें दराज से या चाइना से जो इसको बाय जो है वो आप कर लें। इस्तेमाल का तरीका बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरह से मैंने पहले S500, K55, K30 और AirDot जो है उसके मुताबिक बताया था। सिंगल टाइम आप क्लिक करते हैं तो कॉल रिसीव होती है, अगर 2 सेकंड प्रेस करके रखें तो कॉल रिजेक्ट हो जाएगी, 2 टाइम प्रेस करते हैं तो ट्रैक नए पे चले जाएंगे अगर आप सॉन्ग लिसन कर रहे हैं, और अगर 2 टाइम इसको प्रेस करते हैं तो प्रीवियस ट्रैक पे चले जाएंगे, अगर 3 टाइम आप इसको प्रेस करते हैं तो वॉल्यूम अप होगा, 3 टाइम इसको प्रेस करते हैं वॉल्यूम डाउन होगा। बुकलेट में भी बताया गया है कि किस तरीके से आप जो इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर 4 टाइम आप इसको प्रेस करते हैं तो वॉइस असिस्टेंट जो है वो खुल जाता है, अगर आप 2 सेकंड इसको प्रेस करके रखते हैं तो मोड चेंज हो जाएगा, आप प्ले म्यूजिक मोड से गेमिंग मोड में चले जाएंगे, डिले इसके अंदर नहीं है, ये भी एयरबड बेहतरीन है और आप इसको एंजॉय जो है वो कर सकते हैं। प्राइस मैंने आपको पहले बता दी, स्पेसिफिकेशन भी आपको बता दी, शेप आपके सामने है और आप देख रहे हैं कि यार वाकई बड़ा ही खूबसूरत बना हुआ है। मुझे हकीकी मायनों में K555 से भी ये खूबसूरत लगा, अच्छा लगा है। तो उम्मीद है आपको आज की अनबॉक्सिंग जो है वो भी पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिए, कोई भी सवाल है तो डिस्क्रिप्शन में दें। अपनी सेहत का ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।